तीन साल की पाबंदियों के बाद जिला जेल में बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार खुशनुमा माहौल में मनाया गया, जहां जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। कई बहनें अपने भाइयों को जेल में देख भावुक हो उठी। जेल प्रवेश द्वार पर आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में जब बहनों के सामने भाई पहुंचे तो बहनें उसे गले लगाने दौड़ पड़ी। उन्हें साथ बैठाकर दुलार करने के बाद राखी बांधकर मुंह भी मीठा कराया। जेल अधीक्षक जेआर मंडलोई ने बताया, कोरोना काल के दौरान प्रत्यक्ष रूप से जेल में राखी बांधने पर पाबंदी थी। इस वर्ष यह पाबंदी हटा दी गई, जिसके बाद जेल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू समाज के साथ मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची, जिससे सामाजिक सद्भावना का नजारा रहा। जेल में बहनों को पूजन सामग्री और थाल उपलब्ध कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जेल मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था के साथ में बाहर से माता बहने बंदियों को राखी बांधने हेतु आई है और यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कुमकुम थाली की व्यवस्था, चावल की व्यवस्था की गई है और सौहार्दपूर्ण तरीके से यह त्यौहार मनाया जा रहा है। इसमें हिंदू के साथ मुस्लिम महिलाएं भी भाइयों को राखी बांधने हेतु आई है। लगभग तीन साल कोरोना के बाद लगभग तीन साल बाद इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है कि भाई और बहनें जो साक्षात रूप से एक दूसरे से मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ के खुशी के आंसू छलक रहे हैं, कुछ के चेहरे पे मुस्कान बिखेर रही है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? जी आर मंडलोई, जेल अधीक्षक जिला जेल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।